सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं मिलती है, उसके लिए स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी होता है। तुम एक बात खुद सोचो कि अगर कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है और उनको अगर मजबूत कर लेने से हमारे 100 से 120 नंबर पक्के हो जाते हैं, तो फिर हमें वो चैप्टर पहले कर लेने चाहिए। तो ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं तुम्हें उन चैप्टर्स और उन टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं और स्पेशली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और तुम्हारे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तुमने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है तो मैं तुमसे कहूंगी कि इन चैप्टर्स को तुम पहले पढ़ लो, इनको स्ट्रांग कर लो, ताकि तुम्हारा ये बेसिक स्कोर जो है 100 से 120 वाला, ये वाला स्कोर तुम्हारा पक्का हो जाए। और अगर तुमने पूरा चैप्टर सारे अच्छे नहीं पढ़े हैं अच्छे तरीके से, तो इन चैप्टर्स को तुम अपना स्ट्रांग करके जाओ, ताकि एटलीस्ट इतना स्कोर तुम अपना सिक्योर कर लो। ओके, तो हम शुरू करते हैं। दिस इज समीक्षा दच, MBBS बैच 2020 एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमारे वो कौन से चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है यूनिट एंड डायमेंशन एरर, जिसके साथ मैं तुमसे कहूंगी कि सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये प्लीज कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर ही सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल था और उसमें कुछ नहीं था कि तुम्हें दो नंबर दे रखे थे और उनका एडिशन मल्टीप्लाई करके तुम्हें बस बताना था कि जो आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो ये वाला बस तुम्हें चार रूल पढ़ने हैं और चार रूल पढ़ के तुम्हारे चार नंबर मिल रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। तो फिर उस चीज को प्लीज जरूर कर लेना। और दूसरी चीज मैं कहूंगी कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, जिसमें स्क्रू गॉज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, पिछला जो ट्रेंड है लगातार उसमें स्क्रू गॉज से एक एक क्वेश्चन आया ही हुआ है, तो इतना तुम कर लोगे जिससे तुम्हारे, मैं कह रही हूँ कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं इतने ही टॉपिक्स। ओके, सो नंबर 2 बात हम करते हैं मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर तुमने इसके PYQs अच्छे से कर रखे हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं, तो सिर्फ इतने से ही तुम आराम से सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर मिला के लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां से हम अपने 4 से 5 क्वेश्चंस सिक्योर कर सकते हैं। नंबर 3 जो है वो है EMI, AC और EM वेव। EM वेव तो भाई क्या ही कहना, EM वेव तो बिल्कुल ऐसा चैप्टर है कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी सा चैप्टर है, जिसके तुमने अगर PYQ कर लिया और उसके सॉल्यूशन को भी अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो भी तुम्हारे काफी हद तक EM वेव तो तुम्हारा तैयार हो गया। AC वाला जो चैप्टर है जिससे पावर फैक्टर और LCR सर्किट वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को पहले LCR सर्किट को बहुत अच्छे से करना, पावर फैक्टर को भी अच्छे तरीके से करना। EMI, AC और EM वेव इन तीनों चैप्टर से मिलाकर तुम्हारे लगभग 3 क्वेश्चंस पक्के हैं। इन चीजों को इनको कर रहे ना, इनमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, आराम से हो जाते हैं। बाद हमारा 4th आता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से अकेले एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3, जिसमें से एक तुम अपना उस वाली कैटेगरी से मान लो जहां पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज वगैरह है, वहां से एक क्वेश्चन आना पक्का। और आगे जो रिलेशंस रहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट वगैरह, इन सब का जो रिलेशन है, इनमें यहां से क्वेश्चन उठते हैं। तो फिर इन चीजों, ये कॉन्सेप्ट अपने मजबूत करो, है ना। ये वाले जो चीजें हैं, इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वही कर लो, ये वाले क्वेश्चन समझ तुम्हारे मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का भी कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं सिंपल जो अलग अलग कैटेगरी जो है, जिस किस तरीके से वायर में करंट कैसे जा रहा है, उसके हिसाब से क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है और क्या डायरेक्शन होती है, बस वो डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, वो फॉर्मूला तुम्हें याद होने चाहिए, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स। अब मैं तुम्हें रे ऑप्टिक्स इसलिए नहीं कह रही हूँ, रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा और उससे अगर बहुत ही थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर उसको करना हमारे कोई फायदे वाली बात नहीं है। मैं तुमसे कहूंगी कि वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में क्या है, जैसे पोलराइजेशन है, डिफ्रेक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये 3 कॉन्सेप्ट है मेनली, इन तीनों को तुम्हें पढ़ना है, इन पे बेस्ड फॉर्मूले हैं, बहुत ही आसान एक एक लाइन में सॉल्व होके हो जाते हैं इनके क्वेश्चन। तो सिंपल तुम्हें इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, इन तीनों को पढ़ लेना है और कुछ भी खास इतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसमें तुम अगर देखोगे तो शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल क्या है, तो बिल्कुल तुम प्रीवियस ईयर में उठा के देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी, और तुम लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अपने 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो मान सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, स्पेशली ग्रेविटेशन का फेवरेट टॉपिक रहता है वो जो वेरिएशन ऑफ जी रहता है, हाइट पर जाके, डेप्थ पर जाकर, ये वाले कॉन्सेप्ट से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट अलग अलग सिचुएशन दे देते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट वाले पोर्शन से हमारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ग्रेविटेशन में
करना, उस चीज को अपना स्ट्रॉन्ग करना. जो आता है वो है थर्मल फिजिक्स. थर्मल फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्मोडायनेमिक्स प्लीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि वहां से मिलाकर पूरी थर्मल फिजिक्स तुम्हारे लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस बना रही होती है. सबसे ज्यादा वेटेज थर्मल फिजिक्स की ही रहती है. तो थर्मल फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट है उसको अच्छे तरीके से करना. काइनेमैटिक्स में हमारे पास है मोशन इन 1D एंड प्रोजेक्टाइल. तो मोशन इन 1D एंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, मैंने अगेन वही बात आती है कि यहां पर भी तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है. प्रोजेक्टाइल मोशन की तो जो 4-5 फॉर्मूले हैं उनको एक जगह लिखो और बस वही अप्लाई करने हैं, उन्हीं से तुम्हारे इनके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. फाइनल जो है वो कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, एग्जैक्टली पूरे चैप्टर्स नहीं है, तो मैं उनको वो टॉपिक्स बता देती हूँ जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जो कि सर्कुलर मोशन हो गया हमारा, देन उसके बाद सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कोलिजन. ये जो 4 टॉपिक्स हैं इनको कर लेना बहुत सही है, क्योंकि इनको कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि इन पे क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना और इनके फॉर्मूले लिख लेना, क्योंकि इनके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन आता है, कुछ चेंज नहीं होता है. तो बस ये टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स हैं जिनसे को तुम अगर अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और इन पे बेस्ड जो फॉर्मूले हैं उनको तुम अच्छे से याद कर लेते हो, तो तुम्हारे लगभग 100 से 120 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. प्लीज पर इनको अच्छे तरीके से करना है, तभी जाके तुम्हें रिजल्ट मिलेगा. और अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो प्लीज इनको पहले कर लो, और अगर नहीं पढ़ाए तो इन चैप्टर्स को पहले पढ़ लो. सो जाओ पढ़ो एंड कीप हसलिंग एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.